ठीक है। यदि आप माउस कर्सर से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे माउस का डिसअपियर होना, हैंग होना या फिर फ्रीजिंग या जंपिंग होना, तो गाइज आज के इस वीडियो में आप लोग साथ 5 मेथड शेयर करने वाला हूं, जिसको अप्लाई करने से आप लोग अपने माउस कर्सर के जितने भी प्रॉब्लम है वो सभी फिक्स कर सकते हैं। तो गाइज वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहना। गाइज वीडियो पसंद है तो सभी लाइक कर देना, चैनल पे आ रहा है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइज अब चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट मेथड की तरफ। गाइज जब भी आप माउस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस करें, उसके लिए आपको अपने सिस्टम को सबसे पहले रिस्टार्ट करना होगा। तो रिस्टार्ट कैसे करते, आपको अपने कीबोर्ड में ऑल्ट F4 को प्रेस करना है और यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे टैब बटन को प्रेस करके यहाँ पे शट डाउन पे आ जाना है और यहाँ से डाउन एरो की को प्रेस करके आप लोग रीस्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोबारा टैब को प्रेस करना और ओके पे आके एंटर कर देना है। आप लोगों का जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से गाइज माउस की कोई भी प्रॉब्लम होगी वो फिक्स हो जाएगी। सो गाइज अब चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड मेथड में आप लोगों को विंडो की को प्रेस करना है और यहाँ पे आप लोगों को सर्च कर लेना है टच पैड। गाइज यहाँ पे टच पैड सर्च करने के बाद आपको जस्ट एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद गाइज आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मेरा जो टच पैड है वो ऑन है, आप लोगों का शायद ऑफ होगा, जिसके कारण आपका जो माउस कर्सर वो फ्रीज हो गया होगा। तो गाइज आपको यहाँ पे ऑन पे आने के लिए टैब बटन को प्रेस करना है। यहाँ पे आप देखिए मैं टैब बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो अप डाउन हो रहा है। आपको यहाँ पे टैब बटन को प्रेस करके यहाँ पे ऑन पे चले जाना है। गाइज मैं यहाँ पे ऑन पे आ चुका हूँ। उसके बाद आपको स्पेस बटन को प्रेस करना है और यहाँ से देखिए ऑफ होगा, आप लोगों का ऑफ होगा, इसको ऑन कर लेना है। तो गाइज ऐसे करके आप लोगों की जो माउस की जो फ्रीजिंग वाली प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। सो गाइज अब चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ। थर्ड मेथड में आप लोगों को विंडो की को प्रेस करना है और यहाँ पे आप लोगों को सर्च कर लेना कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल सर्च करने के बाद अब आपको यहाँ पे सर्च बार में सर्च कर लेना माउस। गाइज यहाँ पे माउस सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चेंज माउस सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है नीचे साइड में। अब यहाँ पे आने के लिए आपको सिंपल टैब बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे चेंज माउस सेटिंग पे आ चुका हूँ। उसके बाद जस्ट आपको एंटर हिट कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद गाइज अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम माउस की प्रॉपर्टीज में आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे पॉइंटर ऑप्शंस पे आना है, तो उसके लिए आपको टैब बटन को प्रेस करना है और सबसे पहले आप यहाँ पे बटन पे चले जाइए। बटन पे हमें आ चुके हैं। उसके बाद राइट एरो की को प्रेस करके हम लोग यहाँ पे पॉइंटर ऑप्शंस पे आ चुके हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा है एनहेंस पॉइंटर प्रिसीजन। यदि आपका यहाँ पे चेक होगा ये तो आपको अनचेक करना है। वहाँ पे आने के लिए आपको दोबारा टैब बटन को प्रेस करना है। यहाँ पे देखिए यदि आपका ऐसे कुछ चेक हो आपको स्पेस बटन प्रेस करना है और इसे अनचेक और चेक कर सकते हैं। गाइज आपको इसे अनचेक करके रखना है और आपकी इससे माउस की कोई भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। गाइज इसको अनचेक करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे टैब बटन को प्रेस करके नीचे आ जाना है। राइट एरो की को प्रेस करके अप्लाई बटन पे एंटर करना होगा। अप्लाई बटन एंटर करने के बाद उसके ओके पर प्रेस कर देना गाइज। ऐसे करके गाइज आप लोगों के जो माउस की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। सो गाइज अब चलते हैं फोर्थ मेथड की तरफ। फोर्थ मेथड में आप लोगों को दोबारा विंडो की को प्रेस करना और आपको यहाँ पे सिंपल कंट्रोल पैनल को सर्च कर लेना। कंट्रोल पैनल सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में सर्च कर लेना माउस। गाइज यहाँ पे माउस सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं माउस की सेटिंग आ चुकी है। उसके बाद दोबारा आपको टैब बटन को प्रेस करना और यहाँ पे एंटर कर देना चेंज माउस सेटिंग के। उसके बाद यहाँ पे बटन्स पे सबसे पहले जाना, तो टैब बटन को प्रेस करना आपको और हम यहाँ पे बटन पे आ चुके हैं। उसके बाद राइट एरो की को प्रेस करके आप लोग यहाँ पे पॉइंटर ऑप्शन पे आ जाइए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे है हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे साइड में, यहाँ पे आने के लिए आपको सिंपल टैब बटन को प्रेस करना। हम यहाँ पे आ चुके हैं। यदि आपका चेक होगा जैसे ये कुछ इस टाइप का होगा तो इसको आपको अनचेक करना। अनचेक किस बटन से करना, आपको स्पेस बटन से। इसको अनचेक करके आप लोग सिंपल टैब बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे आप लोग ओके पे आ जाएंगे। ओके पे आने के बाद आपको यहाँ पे राइट एरो की को प्रेस करके सबसे पहले अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद ओके कर देना है। गाइज ऐसे करके आप लोगों की जो माउस की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। सो गाइज अब चलते हैं फिफ्थ मेथड की तरफ। फिफ्थ मेथड में आप लोगों को अपने कंप्यूटर को डायरेक्टली शट डाउन करना होगा। यदि आपका माउस कर्सर हैंग हो जा रहा है या फिर डिसअपियर या फ्रीज हो रहा है या फिर जंप कर रहा है और आपका ना तो कीबोर्ड काम कर रहा है ना ही माउस काम कर रहा है, तो आपको सिंपल डायरेक्ट पावर बटन को ऑफ कर देना है। सो दैट आपका जो सिस्टम वो शट डाउन हो जाएगा और इससे जो भी आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आई होगी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सो गाइज आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ 5 मेथड शेयर किए, जिसको अप्लाई करने से माउस कर्सर डिसअपियर हो रहा है या फिर फ्रीज हो रहा है या फिर जंप हो रहा है, उन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। गाइज आपको वीडियो पसंद होगी जो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।